नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की बात होगी, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी, आपको समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि बाजार जितना नीचे खुले उतना अच्छा, उसके बाद आपको सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट मिल रही तो आप बाई करोगे, क्या करोगे, सपोर्ट पे क्या किया जाता है, बाइंग की जाती है ना। उसके बाद देखिए, रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तब क्या किया जाता है, बाइंग की जाती है। मतलब एक ट्रेड अगर पकड़ते तो दूसरा ट्रेड अगर पकड़ते तो ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस आया, रेड कैंडल आपको दिखाई दी, रेजिस्टेंस पे आपको रेड कैंडल दिखाई दी तो प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग होती है। दोनों चांसेस थे आपके पास प्रॉफिट बुक करने के। उसके बाद सपोर्ट आया नहीं तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल आपको बाई साइड का ट्रेड मिल जाता, ठीक है, जबकि बहुत कन्विक्शन नहीं होना चाहिए था उसका, क्योंकि उससे पहले आपको जो है सपोर्ट को तोड़ते हुए, यानी कि लेवल को तोड़ते हुए कैंडल्स आपको मिली थी, ठीक है। मान लेता हूँ कि आप यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेते तो आपको मिल जाता स्टॉप लॉस, लेकिन उसके बाद क्या होता, उसके बाद आपको यहाँ पर सेल साइड का भी तो ट्रेड मिला था। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, ये मैं कई बार समझा चुका हूँ। उसके बाद आप टारगेट देखिए कितना बढ़िया, और टारगेट कहाँ लगाओगे, उसी लेवल के आसपास जो आपको बताया गया है, या फिर जो आप सपोर्ट निकाल करके बैठे हो। ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैं भी आपको देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल। और देखिए, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बार बार यही होगा, बार बार यही होगा, बार बार यही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बार बार बाजार हमारे लेवल को आकर के सम्मान देगी, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि बाजार में अगर आप RPT अच्छे से मैनेज करते हो, समझ लेना इसको, जाकर के कुछ वीडियोज में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आपको मार्केट परेशान नहीं करने वाली। हाँ, ये हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना दे, थोड़ा सा डिस्कस करूँगा इस पर मैं। आप देखिए, लगातार लॉसेस आ रहे थे इस हफ्ते, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर लॉस। लेकिन मैंने आपसे कहा भी था, कल ही शायद कहा था, कि बाजार आपको जब कुछ बड़ा देने वाली होती है ना, तो ऐसे आपके आपका टेस्ट लेती है। आप देखिए आज की परफॉर्मेंस देखिए कितनी बढ़िया आई, 2.25% का प्रॉफिट। लॉसेस आर दी पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन अगर आप उन्हीं से घबराने लगे या फिर उनको अच्छे से मैनेज नहीं किए तो तकलीफ आप ही को होगी। जैसे कि IRCTC का आप ट्रेड देखिए, बाई साइड का ट्रेड, ठीक है, बाई साइड का ट्रेड, उसके बाद एवरेज करने का मौका, उसके बाद टारगेट हिट। अब यहाँ पर किस्मत ही कह सकते हो कि टारगेट आ गया, लेकिन ठीक है, कभी कभी किस्मत हमारे खिलाफ भी चली जाती है, तो जब अच्छे दिन आते हैं तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ होनी ज़रूरी भी हैं, ठीक है, इसीलिए वो अच्छा दिन है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर भी ट्रेड देखिए, बाई साइड का ट्रेड है, बाई साइड का ट्रेड है, रिट्रेसमेंट है, उसके बाद टारगेट है, कितना आसान ट्रेड था। SBI कार्ड, यहाँ पर आप देखिए, अच्छी खासी बाजार में सेटअप आपको यहाँ पर सेल करने को बोल रहा है, और उसके बाद टारगेट देखिए कितना बढ़िया आया है। तो ये है कलाकारी ट्रेड पकड़ने की, आपको इतना देख करके इतना पता लग जाता है, और हर सेटअप की यही खूबी होती है, इसीलिए मैंने आपको सेटअप बनाना भी सिखाया है। अब एक्सिस बैंक देख लीजिए, इससे प्यारा ट्रेड आपको मिलेगा कोई, मतलब आपको इतने से ही पता लग गया कि इतना होने वाला है, अब कौन है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। दूसरी कहानी सोचिए, जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पता होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर आपको पहले से पता, तब फिर आप बहुत बढ़िया माइंडसेट के साथ, बहुत बढ़िया लॉजिक्स के साथ ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि सिर्फ मैं ही ये लेवल्स नहीं प्रोवाइड करता, आपको ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हो उनको। मैंने कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करना आपको सिखाया भी है, वो भी आपको यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं, उन पे आप महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। मुझे मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपको भी बता देता हूँ, हो सकता है इससे आपका फ़ायदा हो जाए। और देखिए, आप सिर्फ, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन सारे डेटा अवेलेबल है ना, आप जाकर के चेक कर लो। और जो लोग सीरियस हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूँ, बाकी जो लोग मजाक करने आए हैं उनकी जेब से तो मार्केट पैसा छीन ही लेगी, आज नहीं तो कल ले लेगी। बताएंगे आपको इंट्राडे स्टॉक्स, पहले थोड़ा सा FIIs DIIs का डेटा भी डिस्कस कर लेते हैं। एक गाना है, छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता, थोड़ा कोई गा के सुना दे तो मजा आ जाए, मजाक, लेकिन FIIs पे ये गाना बहुत सूटेबल है। क्यों सूटेबल है, 2-3 दिन का डेटा देखना और समझ जाना मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। खैर, बाइंग वैल्यू देखिए 13,000 करोड़ की, सेलिंग वैल्यू देखिए 14,800 करोड़ की, उनकी तरफ से शॉर्ट्स भी बन रहे हैं और जो लॉन्ग ट्रेड है वो भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक वो गेम खेल रहे हैं। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, पहला तो आज एक्सपायरी एडजस्टमेंट था इस डेटा को देख करके, ऊपर से मैंने आपसे ये भी कहा था उनकी बाइंग पे आपको भरोसा नहीं करना है, और फिर से देखिए 1,800 करोड़ की उनकी तरफ से आ गई सेलिंग। DIIs की तरफ से अच्छी बात है, 2,000 करोड़ की नेट बाइंग आई है, लेकिन मुझे अभी भी तकलीफ है क्योंकि इनकी जो बाइंग वैल्यू है वो इनके मुकाबले आधी है, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बाइंग देखोगे तो। मतलब अभी भी जो गेम है FIIs अपने हाथ में ही लेकर के रखे हुए हैं। अगर DIIs को रिटेल ट्रेडर्स, HNIs या फिर जो थोड़े से बड़े पोर्टफोलियो के साथ ट्रेड करते हैं उनका साथ ना मिले तो नीचे से मार्केट को ऊपर लाना आसान नहीं था, ठीक है। लेकिन आज बाजार जिस तरीके से ट्रेड करके दिखाई है, इतना तो भरोसा आ गया है कि अगर हमको मार्केट सपोर्ट के आसपास मिलती है तो ध्यान रखना, जब तक बाजार टेक्निकली मजबूत है आपको वहाँ पर डरना नहीं है खरीदारी करने से।
क्यों नहीं डरना है, क्योंकि बहुत जाएगा तो मार्केट स्टॉप लॉस ले लेगी, उससे ज़्यादा कुछ लेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट इज़ वेरी हाई। तो जो ये बात समझेगा वो मज़ा लूट लेगा, बाकियों को तो बाज़ार लूटने के लिए तैयारी है। चलिए ICICI पोटेंशियल लाइफ, ये था स्टॉप लॉस। और मैं आपसे बताता हूँ, देखिए टारगेट यहाँ कम्प्लीटली नहीं आता, लेकिन वही है कि बाज़ार जब स्टॉप लॉस देना चाहेगी, आज इसमें स्टॉप लॉस मिला है, टारगेट आ सकता था। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स लिख लेते हैं, और एक टारगेट और स्टॉप लॉस में कितना बड़ा फ़र्क हो जाता है वो आपको पहले से ही मैं कई बार समझा चुका हूँ। HCLTech बताने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा सेटअप है इंट्राडे के लिए, नज़र रखिएगा। ACC में भी मुझे बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी इंट्राडे सेटअप बहुत बढ़िया आसानी से बना हुआ है, तो देख लीजिएगा, जिस तरफ भी इशारा मिल जाए ट्रेड आपको ले लेना है। आइसर मोटर सेल साइड का कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर बाय साइड का ट्रेड मिले 2345 के आसपास या 2370 के ऊपर तो अवॉइड भी नहीं करना है। IGL क्या यहाँ पर एक बड़ा रिवर्सल पॉसिबल है, पॉजिटिव साइड की मैं बात कर रहा हूँ, 400 को ये फिर से अप्रोच कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे अच्छे से, ठीक है, इग्नोरेंस में है ये स्टॉक अभी। एक्सिस बैंक, फिर से इस स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए, आप ICICI बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो, मेरा फोकस इस पे ज़्यादा रहेगा, आप इधर साइड ट्रेड दोनों स्टॉक्स में ढूंढ करके जो बेस्ट मिले, जैसे कि कल SBI और एक्सिस बैंक में मैंने आपसे कहा था, आज ICICI और एक्सिस बैंक में बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ग्रेसिम रहेगा आखिरी इंट्राडे स्टॉक, आपको इस पे भी फोकस रखना है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बताएंगे, उससे पहले दो बातें कर लेते हैं। पहला, ये जो लेवल्स आपको बताए जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें लिखित चाहिए, तो भाई वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है या फिर पैसा भी नहीं कमाना है, अगर आपको कम से कम चीज़ों को सीखना है समझना है, तो आप खुद लेवल्स लिख लो ना, एक नोटबुक एक पेन खरीद लो ना, नहीं खरीद सकते तो बोल दो, मम्मी पापा से वो आपको दिला देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप खुद कमा रहे हो तो जाकर के खरीदो, और मैं इस चीज़ को सटायर के रूप में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एक पेन और कॉपी लेकर के वीडियो नहीं देख सकता वो क्या करेगा जीवन में, क्या करोगे आप। आपको समझाने वालों ने कई बार समझा दिया कि जब तक आप चीज़ों को लिखोगे नहीं समझोगे नहीं, दिमाग उड़ा देगा यार, 90% चीज़ों को दिमाग ऐसे ही हवा हवाई में उड़ा देता है, और फिर भी आप मजाक करोगे, अरे कुछ बात नहीं मुझे तो याद हो जाता है, लेवल सर ने बताया था यहाँ पर वहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना। दूसरा, जो जॉब के लिए बात कल मैंने आपसे की थी, ध्यान रखना 27 तारीख रात तक आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्टेड हैं, प्लस आप जब व्हाट्सएप पे कनेक्ट करोगे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक का एक सदुपयोग है, उस सदुपयोग को आपको 27 तारीख के पहले ही करना है, बिना उस लिंक के सदुपयोग के आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाला है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। जिनको जानकारी चाहिए ये क्या रिक्वायरमेंट है क्या कैसे, वो कल वाली वीडियो अंत में जा करके देख सकते हैं, रात वाली कल की बाजार वाली। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, पहले बात कर लेते हैं बाजार कहाँ खुलेगी। ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक संकेत हैं, कल जैसे संकेत फ्लैट टू नेगेटिव थे और बाजार नेगेटिव खुली, अच्छा था। अब बाजार को ज़रूरी है 40-50 पॉइंट का गैप अप, ये बात मैंने क्यों बोली ध्यान से देखिएगा, एक टाइम टेस्टिंग हुई, दो टाइम टेस्टिंग हुई, तीन टाइम टेस्टिंग हुई, वहाँ पर बायर्स अवेलेबल मिले हैं। अब बायर्स का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा अगर अभी भी बाजार जाती है नीचे, तो अब अगर बाजार नीचे गई तो मैं वहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं दूंगा जब तक बाजार 17,000 के आसपास काफ़ी बड़ा समय ना बिता दे। अब ज़रूरत क्या है 17,250 के ऊपर जाकर के ट्रेड करने की, अगर बाजार वहाँ नहीं जाती है तो थोड़ा सा मैं टेक्निकली कमज़ोर आपको लिख करके दे सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन डेटा भी यही सजेशन अभी तक तो दे रहा है। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो मैंने टेक्निकल शब्द का यूज किया है वहाँ पर ऑप्शन चेन को मिला करके बोला है, अगर आप उसको हटाओगे टेक्निकली अभी भी हम स्ट्रांग हैं। लेवल नोट कर लीजिए 17,261, 17,316, 17,391 ये रहेंगे ऊपर जाते हुए बाज़ार में लेवल्स, 17,158 ये रहेगा पहला सपोर्ट और बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 17,091 ये रहेगा, 17,022 ये रहेंगे तीन सपोर्ट लेवल्स। निफ्टी बैंक आज बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, उम्मीद ही नहीं थी कि निफ्टी बैंक के साथ ऐसे हालात हो जाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए, ज़रूरी है 35,288 और 34,999, वाह यार क्या नंबर आया है, एग्जैक्टली 35,000 आप इसको मान सकते हो, ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। दो दो लेवल्स आपको बता दिए गए, 35,758, 35,980 ये रहेगा रेजिस्टेंस, सपोर्ट आपको पहले ही बताया जा चुका है। मार्केट के पॉजिटिव खुलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, लेकिन ये डेटा कितना डायनेमिक है वो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, थोड़ा चेक कर लेना
अमेरिका का फ्यूचर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, उसी हिसाब से आप एसजेएक्स निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हो। अभी 50-55 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है एसजेएक्स निफ्टी। विदा ले रहा हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और हाँ, जिनको इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है, सीरियसली बोल रहा हूँ, जा करके पहले देख लो व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो, अपना सेटअप बना लो, उसके बाद स्टॉक्स को उस पर रखो। जब बाजार कोई किसी एक स्टॉक को ऊपर भेजना चाहेगी, वो स्टॉक आपको पहले बता देगा आपके सेटअप की मदद से, भी आप ये डिकोड कर पाओगे कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जाना चाहता है बाइंग ले लो, नीचे जाना चाहता है सेलिंग ले लो, स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि वो तो आना ही है। समझ रहे हो? अभी इतना ही, नमस्कार।